क्या हाल चाल? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ऐसे अच्छे रहे। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोग को मेरी फर्स्ट ब्लॉगिंग वीडियो पर। आज हम हमारे घर से मतलब गांव से घूमने जा रहे हैं। 41-30 किलोमीटर आसपास एक छोटा सा ब्रिज है जिसका नाम टी ब्रिज। तो उधर हम घूमने के लिए जाने वाले हैं और मेरे साथ और दो दोस्त भी हैं। तो चलो राइड स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चाहते हो मुझे सपोर्ट करने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये हमारा फर्स्ट और ये मेरा पहली व्लॉगिंग वीडियो है, तो अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ़ कर देना। तो चलो राइडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हुआ है 10:30 और हम लोग घर से निकल चुके हैं। यार आप लोग को थोड़ा अगर नॉइस आ रहा होगा तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं अभी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ और माइक भी लाना भूल गया, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और हम अभी थोड़ी दूर जाके पेट्रोल डाल लेंगे गाड़ी में और निकल पड़ेंगे हमारा पहली राइड पर। और ये हम आ गए हैं पेट्रोल पंप के पास। चलो रोड क्रॉस करके चलते हैं। और ये आ गया हमारा पेट्रोल पंप और ये हम पेट्रोल डाल के निकल चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं रणपुर मार्केट के अंदर और ये सामने देख सकते हो रणपुर का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर। इधर से हम लोग को लेफ्ट जाना है। अभी छोटा सा कोल्ड ड्रिंक ब्रेक ले रहे हैं। आ जाओ।
और ये छोटा सा कोल्ड ड्रिंक ब्रेक के बाद हम लोग निकल चुके हैं यार। हम लोग ना थोड़ा सा ऐसे गाँव की रोड देके जा रहे हैं क्योंकि अभी तो NH नहीं आया है और कुछ देर बाद जाके NH आ जाएगा। इधर से अभी 10 या 5 किलोमीटर के बाद NH रोड आ जाएगा, तो चलो मिलते हैं और थोड़ी देर के बाद। और इधर आप लोग को हर तरफ ज्वेलरी का दुकान ही देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इसका नाम है गोल्डन प्ले, ऐसे ही हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में बोलोगे आप लोग तो इसका नाम यही होगा गोल्डन प्ले। तो चलो इधर से हम लोग को थोड़ा सा रास्ता पता नहीं, हम लोग इसको पूछने वाले हैं, नहीं तो यार गूगल मैप देख के चलेंगे। अभी हम लोग पूछने वाले हैं किसी को, अंकल को, चलो किसी अंकल को पूछते हैं। अरे उसका नाम क्या है, नाम क्या है? अरे से यार नाम बैद्येश्वर टेम्पल, बैद्येश्वर पूछते हैं यार किसी को, बैद्येश्वर का टेम्पल कहाँ पर है, रुक जाओ, नहीं तो यार वो मैप चेक कर रहा है किधर जाने वाला है। हम रास्ता कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला इधर से थोड़ी देर जाने के बाद, ऑब्वियसली 6 या 5 किलोमीटर जाने के बाद एक रोड पड़ेगा उसके पास, तो उधर से तुम लेफ्ट ले लेना। तो फ्रेंड्स आपको इधर से राइट जाना पड़ेगा, ये वाली रोड के उस तरफ जाना पड़ेगा हमें। चलो हम लोग अभी कला पत्थर और बांकुड़ी का जो रोड है उसके अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। हम लोग थोड़ा बहुत आगे चले गए थे, पता नहीं चला रोड कहाँ पर है। वो जो हमने जिनको पूछा उन्होंने बोला कि इधर से 5 या 6 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे चले गए थे। उधर से मैप देखा तो दिखा रहा है पीछे एक रोड है, तो हम लोग आके थोड़ा सा पूछताछ किया, तो उसके बाद पता चला कि उधर जाने के बाद थोड़ी सी दूर में एक रास्ता जा रहा है उधर कला पत्थर, तो उसके साइड में हमें जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो हम अभी छोटा सा इधर ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप हो रहा है, इसलिए हम इधर छाव में अभी 5 या 10 मिनट बैठ के जाएंगे इधर से। तो चलो पूछते हैं, हमारे साथ और दो भी बंदे हैं, एक तो मेरा छोटा भाई हो गया और ये हमारे घर के पास वो मेरी रिश्ते में सा अंकल लगेगा। तो चलो पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है मेरे साथ घूमने की। तो चलो हम पूछते हैं हमारे भैया को, उनको हमारे साथ घूमने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये रहे हमारा छोटा भैया, तो भैया एक बार हेलो बोल दो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुड्डू, मैं आज जा रहा हूँ
बागेश्वर टेम्पल घूमने के लिए। तो चलो अभी पूछते हैं, हमारे साथ एक छोटा बच्चा जा रहा है, छोटा बच्चा नहीं, उसका अभी 10 क्लास वो पढ़ रहा है, तो उसे पूछते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसको कैसा लग रहा है हमारे साथ घूमने की। तो चलो पूछते हैं उसको। ओ भाई, हेलो भाई, इधर घूमो इधर घूमो। हाय फ्रेंड, ये मैं बागेश्वर टेम्पल घूमने के लिए जा रहा हूँ। इधर इधर देखो, ये मेरा पहला दोस्त के साथ घूमने के लिए आ रहा, मेरा पहला घूमने के लिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। और हम लोग थ्री व्हील्स के बहुत ही पास आ चुके हैं यार, इधर मुझे लगता है टिकट वगैरह करने के लिए पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, चलो यार। मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो अभी एक बज चुका है। हम लोग घर से निकले थे यार 10 बजे, 10:30 हो गया था, अब यार टाइम हो रहा है 1 बज गया, तो यार 2-3 घंटे लगा हम लोग को आने के लिए। यार बहुत ही अच्छा प्लेस है। हम लोग ऐसे बहुत घूम रहे हैं थोड़ा बहुत, चलो देखते हैं कहाँ पर जाएंगे हम लोग। लोग अभी इधर सू रख के जाने वाले हैं मंदिर के अंदर, चलो चलते हैं। यार आप लोग देख रहे हो, ये मंदिर है भगवान भोलेनाथ को समर्पित है ये मंदिर। ये मंदिर का हिस्ट्री ऐसा है कि ये जो मंदिर सिंहद्वार ऐसा एक नाम है जो कि समुद्र के पास है, पास नहीं बोलेंगे हम उसको यार, समुद्र के बीच में है, उसके अंदर ही ये मंदिर स्थापित है जो कि उड़ीसा का 7th यार किंग जो है परशुराम कुछ उनका नाम था ऐसे ही, वो इस मंदिर को इधर यार बिल्ड करे थे। तो चलो एक बार मैं आपको मंदिर का आसपास घुमा के दिखा देता हूँ।
सर तो अभी वो खाने का टाइम हो गया है तो अभी इसलिए चल रहा है। आप लोग एक बार मंदिर का या स्ट्रक्चर देख लो। चलो हम अभी मंदिर से बाहर जा रहे हैं। यार आप लोग देख रहे हो ये जो पहाड़ है उसके ऊपर हम लोग अभी खड़े हैं और दिखा रहा हूँ मैं आपको इसका छोटा मोटा नजारा। हम लोग यार ऊपर से नीचे आ चुके हैं और ये देखो बंदर। हेलो बंदर मामा। यार इसको देख के ना मुझे वो वाला सीन याद आ गया जो अक्षय कुमार ने उसको थप्पड़ मारा था। इधर फोटोशूट चल रहा है ये दोनों का। चलो हम भी थोड़ा बहुत सेल्फी वगैरह ले लेते हैं उसके बाद यार उधर जाएंगे वो क्या देखेंगे। चलो एक दो सेल्फी ले लेते हैं इधर। इधर से हमारा फोटोशूट वगैरह ख़त्म हो गया और हम अभी यार निकलने वाले हैं। घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा हो गया। यार निकलने वाले हैं बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इधर। चलो मैं निकलता हूँ आप लोग को मिलूँगा मैं अभी रास्ते पर। यार मंदिर हम लोग यार टेम्पल से भी निकल चुके हैं और इधर थोड़ा बहुत फोटो शूट चल रहा है हमारा। अरे उधर एक टेम्पल था यार देख उधर निकाओ। हम ना क्या उधर जाके उधर से निकल सकते थे ये देख। अबे उधर देख उधर देख देखा हम लोग उधर नहीं गए। अरे उधर जाके नहा के आ हम लोग अभी घर में जाने वाले हैं। अभी इधर से हम लोग निकलने वाले हैं और आधे घंटे के बाद तो चलो मिलता हूँ मैं आप लोग को। तो यार फ्रेंड प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम अभी यार घर में नहीं जाएंगे हम अभी और एक डेस्टिनेशन घूमने के लिए जाएंगे जो कि यहाँ से अभी 22 किलोमीटर आसपास होगा जो कि जिसका नाम है बैंकी चर्च के टेम्पल। तो चलो इधर से हमें जाना है यार लेफ्ट या राइट इधर ही जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं और वो डेस्टिनेशन देखेंगे कैसा है घूम के आएंगे उधर से। चलो 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 आ जाओ आ जाओ। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी टेम्पल के अंदर। यार पास नहीं तो अंदर आ चुके हैं अभी। वीडियो थोड़ा सा लेट मैंने स्टार्ट कर दिया पर कोई बात नहीं आप लोग को दिखाऊंगा मैं। ये देखो यार ऊपर से चल के दिखाता हूँ आप लोग को अच्छा व्यू दिखेगा। अभी तो टेम्पल यार थोड़ा क्लोज है अभी। We'll be right back.
शटर ओपन हो चुका है, चलो देखते हैं। सुपर सुपर शटर चला। यार ये देख चुके हो आप माँ को। यार आप लोग देख चुके होंगे ये मंदिर को। इसका ना एक छोटा सा बोलते हैं किंवदंती है, जो कि जो माँ लक्ष्मी है उनका एक अवतार इधर बसे हैं, जिनका नाम है माँ चर्चिकाई। तो अगर आप लोग ये जगह घूमना चाहते हो घूम सकते हो। यार घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है ये, एक बार आप लोग आके चेक कर सकते हो ये जगह को। और हम जो गए थे उधर ट्री बीच, तो उधर भी आप लोग जाके चेक कर सकते हो। यार बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए, आप लोग चाहो तो एक बार आके घूम सकते हो। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी अभी निकल रहे हैं। अगर आपके पास आप अगर थोड़ा सा जल्दी आ जाओगे तो आप लोग आराम से घूम के और कुछ देर रुक के जा सकते हो। यार चलो हम अभी निकलते हैं और मिलते हैं रोड के पास। और मुझे कमेंट में यार ये बताओ कि आप लोग को मेरी फास्ट व्लॉग कैसे लगा। और अगर आप लोग को यार वॉइस थोड़ा सा लो आ रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अपने छोटा भाई समझ के, क्योंकि यार मैं अभी फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और माइक वगैरह लेके नहीं आया हूँ। इसलिए यार ऐसे सडन ही प्लानिंग हो गया घूमने के लिए, तो इसलिए यार मैंने अभी माइक वगैरह लेके नहीं आया हूँ। इसलिए यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो अगर मिलते हैं हम लोग रास्ते के पास, तो चलो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं रास्ते के पास।